तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा मतलब दो तीन बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल एक रेलवे के द्वारा मतलब नोटिस आया था भोपाल आरआरबी की तरफ से, है ना, कि मतलब कि जो अभी जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी था NACIT, है ना, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब नया एग्ज़ाम एजेंसी क्या होगा, अब उसको लेकर के हमारा एग्ज़ाम डिले होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस है, और ये अच्छी खबर है या कि बुरी खबर है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, और जो हमारा जो डेली टारगेट का था अभी मैंने वो बंद करके रखा है, है ना, कुछ रीज़न था बता रहा था कि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी कुछ बच्चों को, है ना, इस मंथ के बाद मैं रेगुलर को टारगेट को हम लोग चालू करके रखेंगे, और हमारा जो करंट अफेयर का वीडियो है वो रेगुलर आएगा, ठीक है। मैंने बना भी लिया पार्ट 2, और हमारा जो मैंने कल वीडियो बनाया था साइंस के ऊपर, कि साइंस के नोट्स, साइंस की कैसे प्रिपरेशन करना है, है ना, NCERT को कैसे ढंग से पढ़ना है ना, और जो हमारा जो नोट्स है, देखिए अभी वो लेकर के आया सुबह सुबह में, है ना, ये नोट्स का PDF के बारे में बहुत सारे लोगों का कमेंट था, सर इसे PDF प्रोवाइड कर दे, PDF है ना, सभी देखिए मैं लेकर के आया हूँ आप ही लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, तो जो मैं बोलता हूँ करता हूँ, तो ये सारा मैं लेकर के आया हूँ। और करंट अफेयर के देखिए अभी वीडियो ही बना रहे थे, उसी का ट्रिक को तैयार कर रहे थे थोड़ा सा, है ना, तो इसी बीच कुछ लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं यार, तो मैं ऐसे तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आप ही लोग के लिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए वो जो नोटिस आया था इसमें NACIT को कैंसिल कर दिया गया है, तो ये तो अच्छी खबर है। NACIT को कैंसिल, इसको तो पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि रेलवे को भी पता है कि इसके ऊपर मतलब बहुत धांधली का आरोप है, बहुत सारे राज्यों ने तो इनको बैन करके रखा है, इनका शक्ल देखना पसंद नहीं करते NACIT का, इतना धांधली। और देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ता है ना, जो लोग तैयारी करते हैं, जो मेहनत से तैयारी करते हैं, अपने बलबूते एग्ज़ाम निकालते हैं, उसके रिजल्ट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है इसके धांधली से। तो ये कैंसिल हो जाए तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा लाख गुना TCS है, ठीक है, इससे लाख गुना TCS है, वो TCS लेगा, और ज़्यादातर चांसेस ही है कि वो TCS लेंगे। और देखिए इससे होगा क्या होगा, जैसे मई तक उनको टाइम दिया गया, मई तक का लास्ट डेट दिया गया है टेंडर डालने का, है ना, और इसी बीच फिर रेलवे सेलेक्ट करेगी कौन सा होगा नहीं होगा। तो देखिए थोड़ा सेलेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस बार जो है आपका ऐसे ही पता है, ऑलरेडी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है, टलते टलते इतना बवाल हुआ, आंदोलन हुआ, उसके बाद एक डिसाइड आया कि जुलाई में होगा, फिर उसके बीच ये बात आता है एग्ज़ाम एजेंसी को कैंसिल किया जाता है। तो अब देखिए ज़्यादातर चांसेस है कि रेलवे अब रिस्क नहीं लेना चाहेगी इतने बड़े आंदोलन के बाद, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है इसको अब टाला नहीं जा सकता है एग्ज़ाम डेट को, ज़्यादा हो सकता है हार्डली से हार्डली एक महीने और टाला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि रेलवे के पास सब कुछ है, अगर वो चाहेगी तो तुरंत एग्ज़ाम एजेंसी को भी सेलेक्ट कर लेगी, है ना, उनको प्रॉपर टाइम भी दे देगी, आप जल्दी से लिए जल्दी सब कुछ हो सकता है रेलवे को चाहिए तो, और ये रेलवे करेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे। तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं, टेस्ट बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लाया है, वीकेंड सेल ऑफर, जिसमें एक साल का ईयरली टेस्ट बुक पास आपको अब 6 मंथ के एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मात्र ₹360 में मिलता है, अगर आप हमारे कूपन कोड से भी अप्लाई करते हो तो इसमें ₹39 का ऑफ मिलता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो तो टेस्ट बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, अगर आप NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के, है ना, मॉक टेस्ट इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, आप अपने तैयारी को एक अच्छा पीक दे सकते हो टेस्ट बुक के थ्रू डेली मॉक टेस्ट लगा करके। अगर आप टेस्ट बुक बाय करना चाहते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं, और इसमें ढेर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है। सेम वैकेंसी मतलब ऐसे ही जो है, ये एग्ज़ाम बहुत टल चुका और बहुत आंदोलन के बाद आया, और रेलवे नहीं चाहते कि फिर से ऐसा कुछ बवाल हो, ठीक है। तो आपको जो आपका जो तैयारी कर रहे थे जुलाई मंथ मान करके, उसी मंथ मान करके आपको तैयारी करना, और रेलवे भी थोड़ा एक्टिव दिख रही है, क्योंकि देखते हो हर डेली ना डेली कोई ना कोई नोटिस डाल ही रही है, ठीक है। तो हमारा जो तैयारी जुलाई मंथ को मान करके, उसको आप लोग वैसे ही रखना है, ठीक है, एकदम डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपना तैयारी को वैसे ही रखें, ठीक है। और तैयारी कर, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अब एग्ज़ाम डेट नया आएगा तब तैयारी करते, इसके चक्कर में मत रहिए, जो इस तरह सोच रहे हैं उनका काफ़ी लॉस होने वाला है, और जो जुलाई मान करके करेंगे अपना तैयारी करते रहेंगे तो उनका कोई मतलब बेनिफिट ही होगा, पढ़ लोगे तो आप बेनिफिट होगा, कुछ लॉस आपका नहीं जाने, और कुछ ज्ञान ही अर्जन करोगे, है ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लॉस हो जाने वाला है। तो बेटर अच्छा है कि बाद में जो तैयारी करें उससे अच्छा अभी से ही नॉर्मल जैसे आपका तैयारी चल रहा था उस तरह तैयारी करने से फ़ायदा ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अब ये वो, मतलब उस सब के चक्कर में नहीं रहना है, कब एग्ज़ाम होने, एग्ज़ाम तो होगा लेट, ऐसे भी नहीं होने वाला आपको ही पता है, ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होना अपना जो टारगेट। अब बात करते हैं जो हमारा साइंस का जो नोट्स है ना, उसका PDF के बारे में बात करते हैं। तो साइंस का नोट्स का PDF आपको हम टेलीग्राम पे आज धीरे धीरे करके, एक दिन में तो सारा नहीं हो पाएगा, देखिए थोड़ा टाइम लगता है, हमारे पास टाइम भी नहीं, फोटो खींचना हो आपको क्वालिटी प्रॉपर देना पड़ता है ना,
तो फोटो खींच करके आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। और ये देखिए आप अभी सुबह सुबह जैसे कि करंट अफेयर का हमारा पार्ट वन कौन क्या है इसका वीडियो मैंने बनाया था, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो उसका पार्ट टू जैसा कि आप लोग जान रहे कौन क्या है उसमें बहुत है, मतलब एक ही चीज़ ख़त्म नहीं, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट करवाना है। ऐसे इंपॉर्टेंट करवा देंगे कि आपको YouTube में कहीं और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो कर लोगे तो YouTube में जहाँ आप क्लास देखोगे ना तो आपको लगे अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो सेम क्लास है, पढ़ा मतलब हो चुका है। क्योंकि देखिए हम लोग बुक को कवर कर रहे हैं, मामूली बात नहीं है। और बहुत सारे लोग यूट्यूबर क्या करते हैं, बुक को ही फॉलो करके कुछ इंपॉर्टेंट 10 उठा लिए दे दिए, लेकिन जब हम बुक के थ्रू ये सारा कर ले रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो लोग हमारे जो करंट अफेयर का वीडियो करते हैं उनको पता होता होगा, सब चीज़ उनको याद हो जाता है। क्योंकि मेरा ऐसा है कि हम लोग जो करवाते हैं वो पूरा करवाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं कि आप यहाँ से थोड़ा पढ़ लो, एग्ज़ाम में पता चला कि आप पूरा उसको नहीं पढ़े थे और क्वेश्चन वहाँ से आ गया, तो ऐसा एकदम कोई सीन नहीं है हमारे पास। पढ़ाएंगे तो ढंग से, पूरा अच्छे ढंग से पूरा उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम व्यू आने के लिए हम लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, इस तरह कोई मकसद नहीं है, नहीं तो इतना मेहनत नहीं करता, व्यू आने के लिए ही रहता। तो जैसे बहुत सारा है, इससे पहले बताया था ट्रिकी वीडियो है ना, 5-6 इंपॉर्टेंट उठाते उसके ऊपर ट्रिक बनाते छोड़ते, लेकिन जब भी मैंने उठाया पूरा उसको ख़त्म करा। क्रिकेट लिया तो पूरा क्रिकेट ख़त्म किया, फुटबॉल लिया तो फुटबॉल को पूरा ख़त्म किया। 4-5 फेमस नहीं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, विजय हजारे, उसको 2-3 लेकर के नहीं, इस तरह करना है तो पूरा करना है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का अब लेवल थोड़ा चेंज होता रहा, GS GK ऐसा पूछ देगा ना, आपका कोई गारंटी, जो आप छोड़ के जा रहे हो वही आपका पूछ देगा। जैसे अभी CGL के एग्जाम से आपको देखने को मिला, तो एकदम रिक्स नहीं लो, जो पढ़ाएंगे पूरा पढ़ाएंगे। हाँ, ये बुक है, बुक में जो कंटेंट है ना उसको ढंग से पूरा पढ़ाएंगे, ताकि बुक सभी लोग पढ़ते हैं। अगर छूटा क्वेश्चन है ना तो मेरा नहीं छूटेगा, सभी लोग का छूटेगा, ऐसा हमको पढ़ के जाना है। ठीक है, ताकि अपने आप में मतलब कि अफसोस नहीं होना कि बुक ही से क्वेश्चन आया और हम उसको पढ़े नहीं थे, या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे थे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट करवा दिया गया, लेकिन और भी उसके अलावा था उस बुक में उसने नहीं करवाया। ठीक है, तो अफसोस ना हो। तो इसीलिए मेरा टारगेट रहता है कि जो भी आपको पढ़ाएं बुक से एकदम प्रॉपर पढ़ाएं, पूरा उस चीज़ों को पढ़ाएं, ताकि उसके आजू बाजू का क्वेश्चन भी आए तो आपके एग्ज़ाम में छूटे ना। ठीक है, और इस तरह मैं तो ट्रिक से इतना ढंग से आपको इस पीडीएफ बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक को ख़त्म करवा रहा हूं ना, पूरा यूट्यूब आपको कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, आप सर्च मार के देख लेना। ठीक है, नहीं विश्वास हो तो आप देख लेना। और मेरा जो YouTube क्लास कर रहे हो तो करंट अफेयर का, उसके बाद किसी अदर्स का भी वीडियो उठाकर देखना, आप ऐसे ही देखोगे और उसका आंसर टिक करते चले जाओगे। ठीक है, तो मैं अपना क्लास का खुद वीडियो बार बार देखता हूँ और करंट अफेयर को खुद मैं अपना रिवीजन करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स भी देता है। ठीक है, बहुत लोग अच्छा अच्छा कमेंट पाता है तो अच्छा लगता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करें हमारे चैनल पे, जो नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाएं। और ये आपको अभी देखिए सुबह सुबह एकदम उठ गया, खाना उना कुछ नहीं खाया, आप ही लोग करने के लिए ट्रिक वाला बनाने के लिए, और बता रहा है अभी पार्ट टू इसका आ जाएगा, आज ही अपलोड कर देंगे, वीडियो बन गया। फिर इसके बाद GI टैग है, उसको पूरा ढंग से करवाएंगे, एक पार्ट में नहीं होगा क्योंकि GI टैग बहुत है ना, तो एक पार्ट में नहीं तो 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन पूरा करेंगे, जो भी करेंगे पूरा करेंगे। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, फिर इसके बाद फेस्टिवल आएगा, फेस्टिवल को भी करंट अफेयर का पूरा करेंगे। मतलब अगर एग्जाम से पहले आपको इतना दे देंगे ना हम कि आपको करंट का सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और करंट में सबसे बड़ा बात है आपको ये टेंशन खत्म हो जाएगी, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस 2-3 में मेरा वीडियो देख कर चल जाओ, काम हो जाने वाला। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग कुछ निगेटिव कमेंट भी करते हैं, थोड़ा बुरा लगता है यार, है ना। देखो यार, मेहनत कर रहा तो अच्छा नहीं बोल सकते, किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। लाइक करते नहीं आप लोग तो लाइक कर दें, छोटा भाई समझ गए। तो चलिए, धन्यवाद।